click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. धूम सीरीज एक ऐसी सीरीज जिसने की विलेंस की परिभाषा बदल दी हिंदी सिनेमा में। विलेंस काफी कूल होते हैं, बाइक चलाते हैं, मसल दिखाते हैं, डांस करते हैं, एक्शन करते हैं। धूम वन में देखें हम अगर तो जॉन अब्राहम ने किया है, धूम टू में ऋतिक रोशन, धूम थ्री में आमिर खान ने, अब आ रही है धूम फोर। मीडिया गलियारों में ये चर्चा है कि धूम फोर में या तो शाहरुख खान आएंगे, या तो सलमान आएंगे, या फिर आएंगे रणवीर सिंह। चलिए जानते हैं जनता से, ऑडियंस से, कि उन्हें कौन पसंद आएगा इस रोल में। सारी बातें आपसे शेयर होंगी एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। एंड यस, माय नेम इज राहुल बोज। सो माय क्वेश्चन इज, धूम फोर की स्पेकुलेशंस है मीडिया में, व्हाट इज योर ओपिनियन कि नेगेटिव जो विलन एक कैरेक्टर होता है उसमें नाम सामने आ रहे हैं शाहरुख, सलमान, रणवीर सिंह, आप किसे पसंद करना चाहेंगे? Yeah, firstly, according to this Dhoom series, I will go with Salman Khan, because in Dhoom 1, he has seen John Abraham, in Dhoom 2, Ritik Roshan, then Amir Khan. Then people, the series more. Will be more, the more graph should be like rising. The Salman Khan, and experimentally, Salman Khan, I haven't seen him in negative role yet. The other Ritik Roshan, this. Shahrukh Khan and Ranveer Singh, they have already played negative role, okay. And people have seen them, loved them. But with the Salman Khan, this will be new and people will finally. It's intrigued to watch. It will. And the other thing is like Ranveer Singh is on second preference because people had loved him in Ladies versus Ricky Bell and in this Bajirao Mastani. सर, आई बिलीव रणवीर सिंह वुड बी इनटू नेगेटिव एक्सपेक्ट, आई बिलीव वो ज़्यादा कर पाएंगे। रीज़न ये है कि शाहरुख खान एंड सलमान खान, वी हैव ऑलवेज सीन हिम एज अ बिग हीरो एंड नो नॉट एवर सीन हिम इन नेगेटिव रोल, बिकॉज सलमान इज अ डिफरेंट जॉनर ऑफ मूवी, यस। एंड रणवीर सिंह नाउडेज ही हैज बियर्ड, बिग हेयर, नाउडेज लिटिल बिट पीपल आर क्रेजी अबाउट हिम, सो आई बिलीव ही माइट फिट इन दैट रोल, बिकॉज जॉन अब्राहम यू सी he had good hair and Amir Khan he had something different expect, yeah. Similarities there, something you can say, so I can correlate Ranveer Singh in that movie. Main Shahrukh ko dekhna pasand karunga kyunki Shahrukh ek to hamesha hero banke rehta hai, lekin agar wo villain ban jayega to public ko uska role dekhna pasand aayega aur villain ke nazar ke liye public ki nazar badal jayegi ki villain ko bhi acche tarike se dikha ja sakta hai, jaise Amir Khan ne ekdam perfect role ke liya waise Shahrukh Khan bhi kar sakta hai. Kya baat hai. I think none of the above, like I like Ritik personally, like I think Dhoom 2 was my best Dhoom series, so I think they should cast Ritik only again. Why? Because see, in the end they show that Ritik was alive, so they can probably, I don't know, get him back or something in the thing, saying yeah Ritik is alive and they can have a Dhoom 4, because I think Dhoom 2 was fabulous, Dhoom 3 was. मेरे हिसाब से सलमान खान उसमें बहुत मतलब dashing look उसका रहेगा, क्योंकि वो kick movie उसकी आई उसमें वो French में किया था, तो वो उसके हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा धूम. और शाहरुख कैसा है, वो रोमांटिक फिल्मों के लिए बना है, और रणवीर सिंह उतना वो नहीं है कि ऐसा, क्योंकि अभी उसको बहुत कम दिन आए हुए इंडस्ट्री में आए हुए, इसके लिए सलमान खान बेस्ट रहेगा धूम फोर के लिए. एक नंबर धमाल, मुंबई भाषा में धमाल, मुंबई बनता है धमाल एकदम. शाहरुख, अरे वो शाहरुख ही है, इससे आज कहाँ से कहाँ तक आया, वो यहाँ मरीन ड्राइव की सड़कों पर सोता था, और उसने आज उसका जो जज्बा है आज भी उसका कायम है, उसकी बॉडी आज भी ऐसी है, लोग कहते हैं, बट उसकी डेस्पिरेशन जो देखो उसके हिसाब से आई लाइक शाहरुख. मेरे अकॉर्डिंग रणवीर सिंह को होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको कभी नेगेटिव रोल में देखा नहीं है, और हम चाहते हैं कि वो नेगेटिव रोल में आए. उसके जितने भी रोल है वो थोड़े रोमांटिक, अभी मूवी वो लेटेस्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो नेगेटिव में मतलब ज़्यादा अच्छे से. आई थिंक रणवीर सिंह, बिकॉज वो कमीनों के रोल में थोड़ा अच्छा लगता है. अच्छा, ऐसा क्यों, कौन से फिल्में देख लिया तुमने उन्हें? मतलब फिर भी मतलब गुंडे देखा है बहुत सारा, मैं अच्छा फैन हूँ उसका. okay, इसलिए. और क्या बात लगती है रणवीर सिंह को जो मोस्ट डिजायरेबल इस रोल के लिए बनाती है? मतलब फिर भी वो मतलब इसके लिए सुटेबल है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन यही है कि रणवीर सिंह होना चाहिए. मैं देखना चाहूँगी शाहरुख खान को. क्यों? आई एम हिज ग्रेट फैन, सो आई लाइक हिम सो मच. And I think that he does the negative role more powerful and intense. So I would like to see him. वैसे तो मैं बचपन से हूँ शाहरुख की फैन, and even he does the romantic role very well. But negative कम करते हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि वो negative ज़्यादा करे. I think रणवीर सिंह ज़्यादा better लगेगा, because सलमान and शाहरुख को हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं. रणवीर सिंह इज़ न्यू
एंड सबको न्यू चीज़ें पसंद रहती है। अभी शाहरुख सलमान तो बहुत दिन से चल ही रहा है, चांस देना चाहिए रणवीर सिंह को भी। एंड न्यू लोग जनरली लोगों को पसंद आते हैं, उनकी एक्टिंग इम्प्रूव होती है ना डे बाई डे। एंड शाहरुख सलमान इज़ बेस्ट, नो डाउट, बट रणवीर सिंह इज़ ऑल्सो नाइस। लाइक इन रामलीला वी कैन सी, इन बाजीराव मस्तानी वी कैन सी, हिज एक्टिंग इज सुपर्ब। मीन्स आई थिंक ही शुड गेट दैट रोल, ही इज़ परफेक्ट फॉर दैट। नहीं, सलमान खान तो बेस्ट है आई थिंक ये, हाँ, दोनों लोग में से, बिकॉज कि सलमान खान के एक्शन बहुत सारी मूवी है, तो आई थिंक सलमान खान बेस्ट है। और बाइक तो उनकी फेवरेट है। हाँ, बाइक तो उनकी फेवरेट है, और धूम बाइक के बिना हो नहीं सकती। राइट, पूरी मूवी बाइक पे ही है ना। okay. धूम पे, इसके लिए सलमान खान बेस्ट है। okay. आपका क्या? सलमान खान। क्यों भाई? किक से शुरू हुआ डेविल। मेरे हिसाब से रणवीर सिंह ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके यंगस्टर्स में फॉलोइंग ज़्यादा है, और जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, तो मूवी उसकी मतलब अकॉर्डिंग टू यंगस्टर मूवी में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसका उनका जो अग्रेशन है, जैसे बाजीराव मस्तानी में आपने देखा होगा, तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है। जो नए लोग हो, पुराने हो, यंगस्टर मतलब काफ़ी बड़े लोग हो जो 50-60 के, उनको भी उसका एक्टिंग अच्छा लगा है, मतलब उसके अग्रेशन में। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सूट हो गया मूवी में। और जो एक चोरी का जो चेहरा होता है, तो वो भी उनका ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब चोर के मामले में। हीरो तो है लेकिन स्मार्ट चोर दिखते हो काफ़ी, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि रणवीर सिंह बेटर है। व्हाई? आई लाइक रणवीर सिंह, एंड मैंने अभी तक रणवीर सिंह को निगेटिव रोल में नहीं देखा है, सो आई एम सो इंटरेस्टेड। रणवीर सिंह, फर्स्ट ऑफ ऑल माय ओपिनियन इज रणवीर सिंह। व्हाई? ही इज़ वेरी कूल, डैशिंग, एंड ही इज मोर इंटरेस्टिंग इन एक्शन फिल्म्स। तो भाई, जनता ने तो अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे दिया है कि वो किसे एज एन कूल चोर देखना पसंद करेंगी धूम 4 में। आपकी क्या राय है, आपके क्या सजेशंस हैं? नीचे कमेंट सेक्शन है, अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं। क्यों? क्योंकि चैनल आपका अपना चैनल है यार, बॉलीवुड स्पाई हैं हम, पहुंचाते हैं सबसे तेज़ एंड एक्सक्लूसिव न्यूज़ ऑफ बॉलीवुड। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह पर हम हैं। आप वहाँ पर जाकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सब कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम है राहुल भोज, विद कैमरामैन विशाल।